नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजित शुक्ला रावी IVF कानपुर में एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। अपनी जो एक सीरीज हम लेके चल रहे हैं कि IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी के इलाज से जुड़ी हुई गलत धारणाओं के बारे में, हम हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर काउंसलर अतुल जी हैं साथ में। आज इनके पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा अतुल जी वो क्वेश्चन आप उससे पूछें। जी सर, क्वेश्चन ये है कि IVF कराने के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं क्या? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज करते हैं तो जो भी इंजेक्शंस ओवेरियन स्टिमुलेशन के लिए लगाते हैं वो सारे हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो इन सब हार्मोन्स के जब इंजेक्शन शरीर में जाते हैं तो इनका प्रभाव हमारे शरीर में रहता है, कब तक रहता है? देखो, ऐसा होता है कि हम कोई भी दवाई या कोई भी इंजेक्शन या कोई भी ड्रग अपनी बॉडी में जब लेते हैं तो उस ड्रग की एक हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का मतलब कितने दिनों बाद उसकी कंसंट्रेशन हमारे खून में आधी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जो इंजेक्टेबल्स, जो इंजेक्शन हम लोग लेते हैं, उनकी हाफ लाइफ सबसे कम होती है। इसीलिए इंजेक्शंस का असर तुरंत होता है, बिकॉज वो ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं कि ब्लड में जाकर तुरंत उस आर्गन पे जिस पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे जाकर ऐड करते हैं। तो ये बहुत दिनों तक हमारे ब्लड में नहीं रहते हैं। क्या कि अगर जैसे मान लीजिए हम लोग FSH इंजेक्शन की बात करें तो FSH इंजेक्शन की हाफ लाइफ के हिसाब से हम लोगों ने 10 से 12 दिन तक इंजेक्शन दिए, उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए जो इनसे कंबाइंड करके हैं, तो मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने में ये अपनी बॉडी से यूरिन के द्वारा या फीसिस के द्वारा या स्वेट्स में ये सब अपनी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इनका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। शॉर्ट टर्म इफेक्ट हर दवाई का कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अगर बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत वेट गेन हो सकता है, कुछ लोगों को उबकाई आना जिसको नौजिया वोमिटिंग इस तरह की, या शरीर में दर्द रहना, लेथार्जी या मलेइस टाइप के फीचर्स हो सकते हैं, बट ये बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं। ये 1 से 1.5 महीने में पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप ऐसा मान लो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे दिन से हम लोग ये इंजेक्शन लगाना चालू करते हैं, 10-12 दिन तक इंजेक्शन लगते हैं और इनका असर अगली साइकिल आने तक लगभग लगभग नहीं होता। तो IVF में अतुल जी जो इंजेक्शन हम लोग हार्मोन के देते हैं इनका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है और IVF के ट्रीटमेंट में हम लोगों के हार्मोनल पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आता। आई थिंक इस गलत धारणा का मैंने सही जवाब दिया है। इससे जुड़ा हुआ अगर कोई और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप 8417004446 पर मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड ऑल द वेरी बेस्ट।